हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एजिस लॉजिस्टिक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। एक ऑडियंस का कमेंट आया था, उसकी डिमांड पर ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं तो इस स्टॉक पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से दो टॉप बनाए स्टॉक ने। आपको यहाँ पे एक टॉप यहाँ पे देखने को मिला, एक यहाँ पे, और यहाँ फिर से डबल टॉप बना दिया, एक ये और एक यहाँ पे। यानी कि स्टॉक में लगातार जो है स्टॉक टॉप बना रहा है। तो अब यहाँ से स्टॉक में गिरावट जारी है। तो स्टॉक का ब्रेकडाउन हो चुका है, स्टॉक नीचे जा रहा है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक जो सपोर्ट लेवल था, जो कि सपोर्ट थी, वो टूट चुकी है, जो कि थी 317 रुपए के आसपास, 317 रुपए के लेवल के आसपास। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यही एक सपोर्ट थी, स्टॉक उसी के आसपास क्लोजिंग है। अब यहाँ से रिवर्स होगा कि नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। ठीक है, दूसरी बात, रिवर्स होगा तो तेजी से नहीं होने वाला है। यहाँ से ये नहीं कि सीधे रिकवर हो जाएगा, यहाँ पे या तो टाइम स्पेंड करेगा तब आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन संभावना यहाँ से नीचे जाने की ज्यादा है। तो स्टॉक नीचे जाने के लिए रेडी है, तो आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है स्टॉक में। तो मेरी सलाह ये होगी कि अभी इस स्टॉक से दूर रहें, इसमें खरीदारी करने का विचार बिल्कुल भी ना बनाएं। स्टॉक यहाँ से आप खुद से एनालाइज करेंगे तो एक एम पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होने की पूरी प्रबल संभावना है और फिर स्टॉक सीधा नीचे समथिंग 266 के आसपास आता हुआ नजर आने वाला है। तो अभी इस स्टॉक से दूर रहने की सलाह है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।